अरे दो गुटका खाते आप खा क्या रहे हो? मुझे तो पानी दे दिया, मुझे तो पानी दे क्योंकि गुटका मैं खाई नहीं। कानपुर में खेले जा रहे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक प्रशंसक को पान मसाला चबाते हुए फोन पर बात करते देखा गया। अब पान मसाला चबाने वाले शोभित पांडे ने खुद सामने आकर बताया कि क्या है वायरल वीडियो का सच। सुनिए। कल मसाला मेरे आसपास था ही नहीं, जब मैं कल वहीं पे मेरा मसाला जो है निकाल के बाहर करवा दिया गया था। तमाम तरह की तितलियां हो रही हैं उसमें, उसको लेकर के आपने एक आपका एक फोटो वायरल हुआ जिसमें आप माफी मांगते दिख रहे हैं, क्या वो फोटो आपका है या एडिट किया गया है? नहीं नहीं, माफी वाला फोटो तो मैंने कुछ ऐसा जो अभी तक देखा ही नहीं है, माफी मुझे सुन रहा हूँ। बस मेरा भाई एक जो फोन बात करते हुए फोटो जो है भाई मैंने वही देखा है, क्योंकि मुझे अभी आपसे मालूम पड़ रहा है कुछ ऐसे फोटो मतलब मेरी वायरल हुई है। अच्छा, फोटो और ट्वीट में ये कहा जाए कि कानपुर की ब्रांडिंग कर रहे हैं, पान मसाला गुटखा की ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके की वो मेम बनी हुई है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, ना ही मैंने किसी गाइड किया है, ना किसी के संपर्क में हूँ। वो तो बस मेरे मुंह पे जो है मीठी सुपारी थी और कुछ नहीं था। क्या किसी तरह की माफी मांगना चाहिए? माफी सर मैंने क्यों कि मैंने मेरी न्याय में तो मैंने कुछ जो है गलत नहीं किया, अगर लोगों को लगता है गलत किया तो भैया आई एम सॉरी, वैसे मेरी न्याय में कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, क्रिकेट देख रहे थे, किससे किसका फोन आया था जो इस तरीके इतना स्टाइलिश फोटो आया है कि मतलब? एक्चुअली सर फोन ये आया है, मेरा एक फ्रेंड है वो कल गेट नंबर 8 में था और मैं जो गेट नंबर 11 में था, तो वो मेरे पास आ रहा था, वो मैं बस इतने बता रहा था कि जो मैं गेट नंबर 11 पे आ जाऊँ, मात्र वो कॉल सिर्फ 10 सेकंड का था, 10-11 सेकंड का बस इतना ही, बस इतना कॉल था। लेकिन वो एक्चुअली कहा था कि मुझे वो बात करना जरूरी था और मुंह पे जो मेरे जो है ठीक थी, या तो मैं वहां थूकता उसका उल्लंघन करता, वो उससे हुआ नहीं, तो मैंने जो है जिस तरीके मुझसे बात हो सकी मैंने उस तरीके। अच्छा, अब जिस तरीके से वीडियो और फोटो वायरल और मतलब इतना ज्यादा उस पर कमेंट आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो देखिए लगभग लगभग जितने मतलब मीम या कमेंट बने सब फनी है, लेकिन जो एक दो कमेंट जो मेरी बगल में मेरी बहन थी तो उनको कुछ और लगा, उसमें जो लोगों ने गंदे कमेंट किया मुझे उससे बस तकलीफ है कि भाई जिसके भी ऊपर कुछ भी करो तो देख सुन के करो, वो चाहे मेरी बहन हो चाहे जिसके बहन हो। अच्छा, कानपुर को गुटखा का शहर कहा जाता है, तो आपके लाख मुंह में मीठी सुपारी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये देखिए कानपुर का स्टाइल जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, फोटो वायरल हुआ है, उसमें मतलब ये दादा गुटखा खाते आप खा क्या रहे? वो मीठी सुपारी दे दी, मीठी सुपारी राजू मीठी सुपारी थी, हमें खा जा रहा क्योंकि गुटखा मेरे पास था ही नहीं।